बीती 22 जनवरी को पूरे देश ने दिवाली मनाई बिकॉज राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने पूरे देश को भक्तिमय कर दिया। बॉलीवुड से देश विदेश से हर किसी ने इस पूरे मामले पर नजर रखी, लेकिन वो लोग लकी रहे जिनको इन्वाइट किया गया। ऋचा अनुपम खेर हों, विकी कौशल हों, माधुरी दीक्षित हों या फिर रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो इन्वाइटेड होने के बावजूद नहीं गए, जबकि खान्स को इन्वाइट नहीं किया गया। यानी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को इन्वाइट क्यों नहीं किया, अभी तक इस पूरे मामले में किसी का रिएक्शन नहीं आया। लेकिन बात करते हैं उनकी जो इन्वाइटेड होने के बावजूद नहीं पहुंचे, खासतौर से सनी देओल, अजय देवगन, अक्षय कुमार। ये तीनों एक्टर बॉलीवुड में 90s से एक्टिव हैं, तगड़ी मास फॉलोइंग रखते हैं और बीजेपी से काफी अच्छे संबंध भी हैं। खासतौर से सनी देओल तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं गुरदासपुर से। ऐसे में तीनों का नाना काफी अखरता है। हालांकि अब बात करते हैं इनके ना आने की प्रॉपर लॉजिकल वजह की, ना कि उन रीजन की जो सोशल मीडिया पर अफवाहों के तौर पर बह रहे हैं। पहले बात करते हैं सनी पाजी की। एक्चुअली सनी पाजी को बहुत तगड़ी बैक इंजरी है, उनको लगातार 6-7 घंटे बैठना डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया है। जब उन्होंने रामलला कमेटी से पूछा उनको कितनी देर बैठना होगा, तब उनको कहा गया करीब 6-7 घंटे बैठना पड़ सकता है मोदी जी के वेलकम में और पूरे कार्यक्रम में। तब सनी पाजी ने अपनी मेडिकल स्थिति का हवाला देते हुए मना कर दिया। इस तरह सनी देओल इस पूरे इवेंट से दूर रहे। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार तो बीजेपी के चहेते हैं बिकॉज काफी फिल्में ऐसे करते हैं जिनके लिए कहा जाता है वो सो कॉल्ड बीजेपी की प्रोपेगेंडा मूवीज हैं, फिर चाहे वो पैडमैन हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या फिर देशभक्ति की फिल्में। बहरहाल अक्षय ने भी वीडियो डालकर बताया वो क्यों नहीं आ पाए। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। एक्चुअली वो अपने वर्क कमिटमेंट में बिजी थे। जॉर्डन में अपनी मूवी बड़े मियां छोटे मियां के पैचेस शूट कर रहे थे बिकॉज मूवी का टीजर बहुत जल्दी रिलीज करना था आफ्टर द इवेंट, इसलिए वो चाहकर भी जॉर्डन से आ नहीं पाए बिकॉज वो प्रोफेशनली बहुत कमिटमेंट में थे और जॉर्डन में जो शूटिंग का पूरा डिले प्रोसेस है बहुत महंगा पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने इवेंट से दूरी बनाई। लेकिन वहां पर अपने सॉन्ग सीक्वेंस में जय श्री राम का नारा लगाकर पब्लिक को बता दिया वो भले वहां पर मौजूद ना हो बट इवेंट में पूरी तरीके से वो इन्वॉल्व हैं। अब रही बात बाजीराव सिंघम, अजय देवगन की, तो उनका रीजन अभी क्लियर नहीं हो पाया है। अजय ने अभी तक ना तो कोई टिप्पणी दी है ना कोई रिएक्शन, जबकि उनके विवाह पर रोहित शेट्टी हो सकता है पहुंचे हों, लेकिन अजय देवगन वहां पहुंचते तो पब्लिक को और अच्छा लगता बिकॉज वो भी देशभक्ति और सोशल मामलों पर काफी एक्टिव रहते हैं और बीजेपी से उनकी भी काफी करीबियत मानी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।